गुना में शाही बारात, हाथी पर सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, सेल्फी लेने की मची होड़, वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का नंबर वन डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए आज की विशेष खबर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना में निकली एक शाही बारात की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। वैसे तो दूल्हे अक्सर घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन को लेने पहुंचते हैं, लेकिन गुना में एक दूल्हा हाथी पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा। घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन को लेने जाते तो आपने कई दूल्हे देखे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक दूल्हा शाही बारात लेकर दुल्हन को लेने पहुंचा। बारात भी घोड़ी पर नहीं बल्कि राजा महाराजाओं की तरह हाथी पर निकाली गई। इस शाही शादी की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल गुना जिले के रुठियाई कस्बे में सोमवार को राघोगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष व वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हनुमंत सिंह चौहान की बेटी नीलिनी सिंह की शादी थी। इस दौरान दूल्हा हाथी पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा। दूल्हे को हाथी पर सवार देखकर लोगों में उसके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग हाथी पर निकल रही बारात को देखने पहुंचे। पूर्व जनपद अध्यक्ष सिंह दातवपुरा के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी बेटी नीलिनी सिंह की शादी सारथल बाराम राजस्थान के जमींदार परिवार के स्वर्गीय महेंद्र सिंह राठौर के पुत्र जयेंद्र सिंह राठौर से हुई है। इस शाही शादी के लिए दोनों ही परिवार लंबे समय से तैयारी में जुटे थे। सोमवार शाम शादी वाले दिन पूर्व जनपद अध्यक्ष सिंह की बेटी की बारात आई। दूल्हा वीरेंद्र कुमार अग्रवाल के घर से हाथी पर सवार होकर तय रास्ते से होता हुआ विवाह स्थल तक पहुंचा। इसके बाद दुल्हन के घर में प्रवेश करने के लिए उसे हाथी से उतार कर घोड़ी पर बैठाया गया। शाही बारात बनी चर्चा का विषय। गुना में हुई इस शाही शादी को लेकर काफी समय पहले से तैयारियां की जा रही थी, जिसकी चर्चा भी क्षेत्र में हो रही थी। वहीं हाथी पर निकली बारात की भी अब पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। रास्ते के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग बारात को देखने के लिए जुटे। वहीं राजस्थान से आए बैंड भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ।